वेलकम स्टूडेंट्स, आज फिर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इफ कोस एक्स की पावर वाई इक्वल साइन वाई की पावर एक्स, एम की पावर एन, एम की पावर एन, तो सबसे पहले ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आज इस क्वेश्चन में जैसे हम लोग रहेंगे तो दोनों साइड में ये फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला अप्लाई करने के बाद फिर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, डी वाई डी एक्स को वन साइड और अदर फंक्शन को सेकेंड साइड, तो इस तरह इस क्वेश्चन को करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वी हैव तो लॉग कोस एक्स की पावर वाई इक्वल लॉग साइन वाई की पावर एक्स। तो फार्मूला लॉग एम की पावर एन अप्लाई करने पर वाई लॉग कोस एक्स इक्वल एक्स लॉग साइन वाई, फर्स्ट सेकेंड, इसी तरह लेफ्ट साइड में फर्स्ट सेकेंड। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, तो प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करने पर फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड का डिफरेंशिएशन लॉग गिर जाता है एक अपॉन कोस डी वाई डी एक्स कोस एक्स चेन रूल अप्लाई प्लस लॉग कोस एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन जैसे एक्स के विद रेस्पेक्ट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल प्रोडक्ट फार्मूला एक्स वन अपॉन साइन वाई डी अपॉन डी एक्स साइन वाई प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन। वाई अपॉन कोस एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो वाई साइन एक्स प्लस लॉग कोस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स अपॉन साइन वाई का डिफरेंशिएशन कोस वाई, जैसे ही वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग साइन वाई। अब डी वाई के फंक्शन वन साइड में लिखते हैं और इसको अदर साइड में लिखते हैं, तो लॉग कोस एक्स माइनस एक्स कोस अपॉन साइन को हम कोट वाई लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स कॉमन, इसी तरह साइन अपॉन कोस को कोट, ये माइनस उस साइड में जाकर प्लस वाई टेन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल लॉग साइन वाई प्लस वाई टेन एक्स, तो ये फंक्शन इनटू में होने के कारण अपॉन में आ जाएगा, तो लॉग कोस एक्स माइनस एक्स कोट वाई। तो कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर वन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर टू, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इफ एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एन इक्वल एक्स प्लस वाई कंप्लीट पावर एम प्लस एन सो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स, यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं लेकिन बहुत लेंथी क्वेश्चन बैठेगा यदि मैं डायरेक्टली बिना लॉग के करता हूँ, तो इसलिए लॉग मेथड से करते हैं और उससे ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव, तो
पहले तो लोग mn का फार्मूला, लोग x की पावर m प्लस लोग y की पावर m इक्वल लोग x प्लस y की पावर m प्लस n। अब लोग n की पावर m फर्स्ट फार्मूला इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी और इस पर भी। तो m log x प्लस n log y इक्वल m प्लस n log x प्लस y। अब सिंगल फंक्शन और सिंगल फंक्शन, तो सिंपल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो ये log x log गिर जाता है m अपॉन x प्लस n अपॉन y, लेकिन जब y का करते हैं तो dy अपॉन dx होता है। तो m प्लस n log x का 1 अपॉन x, x यहाँ पर x प्लस y है, फिर इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे, x प्लस y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो m अपॉन x प्लस n अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल m प्लस n अपॉन x प्लस y, x का डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट 1, y का डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट dy अपॉन dx। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, m अपॉन x इक्वल, जैसे इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो m प्लस n अपॉन x प्लस y प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस y dy अपॉन dx, इसको साइड में ले जाते हैं, माइनस का n अपॉन y dy अपॉन dx, इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो m अपॉन x माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस y, यहां से dy dx कॉमन लेते हैं, m प्लस n अपॉन x प्लस y माइनस n अपॉन y dy अपॉन dx। कंप्लीट में ये एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने पर क्रॉस मल्टीप्लाई एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एम वाई एम एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई, इसी तरह इसमें भी एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई एम वाई प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एम वाई अपॉन x प्लस y इंटू वाई, तो x प्लस y से x प्लस y dy अपॉन dx। mx से mx कैंसिल, अब यहां पर my माइनस एन एक्स अपॉन एक्स, इसी तरह राइट साइड में एन वाई से एन वाई कैंसिल, एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एम वाई माइनस एन एक्स से कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो वाई अपॉन एक्स, हेंस द प्रूफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इसमें हमने थोड़ा सा क्या किया, सबसे पहले लोग एम एन वाला फार्मूला अप्लाई किया, फिर इसके बाद लोग पावर वाला फार्मूला अप्लाई किया, फिर डिफरेंशिएशन किया, फिर डी वाई डी एक्स वन साइड किया और दूसरे फंक्शन को अदर साइड में ले गए, फिर एलसीएम लिया और जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दिया, दैट इज जो प्रूफ करना था वो अपने आप आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ वाई इक्वल एफ
2x minus 1 upon x square plus 1 and f dash x equals sin x square. ये f dash x की वैल्यू गिवन है, तो हमें dy dx की वैल्यू गिवन करनी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हुए 2x minus 1 upon x square plus 1 को z सपोज करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन y इक्वल f z हो गया। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स, एफ जेड का डिफरेंशिएशन एफ डैश जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स, क्योंकि जेड हमारा, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स के विद रेस्पेक्ट, इसलिए एफ जेड का जब डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश जेड, फिर जेड का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब जेड हमने सपोज कर रखा है एफ डैश जेड, जेड सपोज क्या है डी बाई डी एक्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब इस पे डिवाइड फार्मूला अप्लाई करते हैं, एफ डैश जेड डिवाइड फार्मूला, नीचे वाला फंक्शन सेम, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम और नीचे वाले यानी gs का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x 1 का 0 अपॉन जो fx gx है उसका होल स्क्वायर, यानी नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। अब z की वैल्यू हमारे पास f डैश z f डैश x गिवन है हमें sin x स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको sin z स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि f डैश x इक्वल sin स्क्वायर, तो f डैश z किसके इक्वल होगा sin z स्क्वायर के, तो x की जगह z पुट करने पर तो ये f डैश z हमारा sin z स्क्वायर हो गया। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 2, 2x की मल्टीप्लाई 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस का 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब z हमने क्या सपोज किया था 2x माइनस 1, तो साइन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां से हमारे पास 2 प्लस 2x माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप का एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में एवरी ईयर 4 मार्क्स में आता है और हमें इस टाइप के क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे कि हम सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्क्स ले सके। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कंप्लीट की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, दो फंक्शनों के बीच में प्लस आ गया, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में हम डायरेक्टली लॉग नहीं लेंगे। पहले इसको वाई वन सपोज करेंगे, इसको वाई टू सपोज करेंगे, फिर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करके तब लॉग लेंगे, फिर इनकी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये एक प्रकार से 2 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट और सेकेंड, तो टू टाइम हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा, टू टाइम डिफरेंशियल करना पड़ेगा अलग अलग, फिर उन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तब जाके इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले लेट y इक्वल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, वी हैव
तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई डी एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स। अब इसको हम वाई वन सपोज करेंगे, लेट वाई वन इक्वल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स एंड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल वाई, तो देन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन वन सपोज करते हैं। अब हम जो हमने वाई वन सपोज किया इसको सोल्व करते हैं। पहले फंक्शन की पावर फंक्शन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव लॉग वाई वन इक्वल एक्स लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। यहां एक्स एलसीएम लेते हैं, एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, लॉग एम बाई एन का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई वन डी वाई वन अपॉन डी एक्स। अब पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, लॉग एक्स लॉग गिर जाता है प्लस। अब सेकंड फंक्शन सेम, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू वन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी वाई वन अपॉन डी एक्स, वाई वन की वैल्यू पुट करते हैं एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स वन का जीरो, तो टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स, फिर कंप्लीट का ब्रैकेट। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, तो इसको हम इक्वेशन टू सपोज करते हैं। एक बार और समझते हैं, सबसे पहले फंक्शन की पावर फंक्शन बीच में प्लस होने के कारण डायरेक्टली लोग नहीं लेंगे, तो ऐसी कंडीशन में इसको y1 इसको y2, तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स। अब फर्स्ट पार्ट का लॉग लेके डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर उसको इक्वेशन टू सपोज करेंगे। अब यही काम हम दूसरा यानी वाई टू में करते हैं, जो हमने वाई टू सपोज किया, वाई टू इक्वल एक्स की पावर वन अपॉन एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग वाई टू इक्वल वन प्लस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब इसको फर्स्ट और इसको सेकंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग गिर जाता है तो इसका डिफरेंशिएशन वन अपॉन वाई टू डी वाई टू अपॉन डी एक्स। प्रोडक्ट फार्मूला, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का एक अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, इसको ऊपर ले जाने पर
डी बाई डी एक्स एक्स की माइनस वन, तो इसका डिफरेंशियल माइनस एक्स की माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल वाई टू, वाई टू की वैल्यू एक्स की पावर वन प्लस इक्वल, इसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, ये माइनस हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। इसको इक्वेशन थ्री सपोज करते हैं। अब इक्वेशन टू एंड थ्री को ऐड करेंगे, इक्वेशन टू एंड थ्री एडिंग एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री वी हैव। अब जैसे इसको ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन वन बन जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स, ब्रैकेट में टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग एक्स, ये डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू, और डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, फिर ब्रैकेट में वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो दैट इज कंप्लीट आंसर। वेरी लेंथी क्वेश्चन, बट प्रैक्टिस करोगे जब दो तीन क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ वाई इक्वल साइन एक्स की पावर कोस एक्स प्लस कोस एक्स की पावर साइन एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस फंक्शन की पावर फंक्शन, बीच में प्लस होने के कारण डायरेक्टली लोग नहीं ले सकते इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई डी एक्स साइन एक्स की पावर कोस एक्स प्लस कोस डी वाई डी एक्स कोस एक्स की पावर साइन एक्स। लेट y1 इक्वल साइन x की पावर cos x एंड y2 इक्वल cos x की पावर साइन x। तो वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई वन अपॉन डी एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स। तो इसको इक्वेशन वन सपोज करते हैं। अब सबसे पहले जो हमने सपोज किया था y1 साइन एक्स की पावर कोस एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग वाई वन इक्वल कोस एक्स लॉग साइन एक्स। अब ये फर्स्ट और ये सेकेंड, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वन अपॉन वाई वन डी वाई वन अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट फार्मूला, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स साइन एक्स, दूसरा सेम, पहले का डिफरेंशिएशन कोस का डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो साइन एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई वन, वाई वन की वैल्यू साइन एक्स की पावर कोस एक्स,
साइन का डिफरेंशिएशन कोस, तो कोस अपॉन साइन, कोट यानी कोस एक्स इंटू कोट एक्स, तो ये कोस अपॉन साइन को मैंने कोट लिख दिया डायरेक्टली, माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, तो ये डी वाई डी एक्स यानी फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, जिसको हमने इक्वेशन टू सपोज किया। लेट वाई टू हमने सपोज किया है कोस एक्स की पावर साइन एक्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव लॉग वाई टू इक्वल साइन एक्स लॉग कोस एक्स, तो फर्स्ट और सेकंड डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वन अपॉन वाई टू डी वाई टू अपॉन डी एक्स, पहला फंक्शन सेम, लॉग गिर जाता है तो एक अपॉन कोस डी वाई डी एक्स कोस एक्स प्लस लॉग कोस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डी वाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल वाई टू की वैल्यू कोस एक्स की पावर साइन एक्स, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स, साइन अपॉन कोस को हम टेन लिख सकते हैं, तो माइनस का साइन एक्स टेन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू लॉग कोस एक्स। अब ये हमारी इक्वेशन थ्री हो गई, अर्थात सेकंड पार्ट डी वाई टू अपॉन डी एक्स। अब एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री या पुटिंग दी वैल्यू डी वाई वन अपॉन डी एक्स एंड डी वाई टू अपॉन डी एक्स इन इक्वेशन वन वी हैव, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, तो फर्स्ट पार्ट हमारा साइन की पावर कोस एक्स ब्रैकेट में कोस एक्स इंटू कोट एक्स माइनस का साइन एक्स लॉग साइन एक्स प्लस डी वाई टू अपॉन डी एक्स कोस एक्स की पावर साइन एक्स फिर ब्रैकेट में माइनस का साइन एक्स टेन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू लॉग कोस एक्स, तो दैट इज कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले मैंने वाई वन और वाई टू सपोज किया, फिर इक्वेशन वन का नाम दिया, फिर वाई वन का लॉग लेके डिफरेंशिएशन किया, इक्वेशन टू का नाम दिया, फिर वाई टू का लॉग लेके टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर इसका डिफरेंशिएशन किया, इसे इक्वेशन थर्ड का नाम दिया, इक्वेशन डी वाई वन और डी वाई टू की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करी, कंप्लीट आंसर गिवन हुआ। बस बेटा आज के लिए इतना ही, आज मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करने की बारी आपकी है। थैंक यू।